जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने वर्तमान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ एवं समस्त कार्यकारिणी के विरुद्ध हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश एक बार एक वोट के तहत 13 तारीख को चुनाव कराए जाने के आदेशों की पालना न करने हेतु अधिवक्ताओं ने पूर्व सचिव जिला बार एसोसिएशन अजमेर समीर काले के नेतृत्व में अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन अजमेर अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की पंजीकृत 271 बार एसोसिएशन में वर्ष 2024-25 के वार्षिक चुनाव 13 दिसंबर को करवाया जाना है। चुनाव संचालन समिति का गठन नहीं करने के चलते बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव रूल्स 2015 के नियमों की पालना नहीं होने के चलते वह चुनाव नियमित तिथि पर न करवाने के चलते जिला बार एसोसिएशन अजमेर अधिवक्ताओं एवं चुनाव प्रत्याशियों में असमंजसता का विषय बना हुआ है, जिसके चलते जिला बार एसोसिएशन अजमेर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। जिला बार एसोसिएशन अजमेर अधिवक्ताओं ने मांग की है कि चुनाव नियत तिथि पर ही करवाएं। सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के आदेशानुसार समस्त प्रदेश की बार एसोसिएशनों में 13 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। सभी बार संगठनों ने अपनी अपनी कार्य समितियां का गठन कर दिया है, लेकिन अजमेर बार एसोसिएशन में अभी तक इस प्रकार की किसी भी व्यवस्था पर हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय चंद्रभान सिंह जी राठौड़ के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बार बार में उनको इस प्रकार और इस संबंध में ज्ञापन दिए गए कि चुनाव की व्यवस्था हेतु 1.5-2 महीने पूर्व ही आपको इस कार्य व्यवस्था पर ध्यान रखना होगा, आप चुनाव की व्यवस्थाएं करवाएं, कमेटी का गठन करें, लेकिन उन्होंने बार बार रिमाइंड कराने के बावजूद भी आज तक इस मुद्दे पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। लगातार वकीलों के निवेदन, ज्ञापन, इन सब को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनसे निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की गाइडलाइंस है कि हर साल चुनाव होने चाहिए, और इसी के लिए आज हम सब अधिवक्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं, और अध्यक्ष साहब को भी इसका हमने ज्ञापन दिया है कि जो 13 दिसंबर को 271 वारों में इलेक्शन हो रहे हैं तो अजमेर इससे अछूता क्यों रहे। इसलिए आज हमने अध्यक्ष साहब को ये ज्ञापन दिया है कि 13 दिसंबर को भी अजमेर बार का इलेक्शन हो, और इस पे संज्ञान लेते हुए आप 13 तारीख को जो दिसंबर है उसको उन्हें अजमेर बार भी इलेक्शन कंडक्ट कराए। किन किन पदों पे चुनाव हो रहे हैं? जो पहले जो पद थे उसी के अनुरूप जो नया सत्र है उसी के अनुरूप ये पद डिसाइड किए जाएंगे, और अभी जो लोक कमेटी की जो मीटिंग होगी इसमें बिल्कुल संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। राजस्थान के 271 बारों में जो कि पंजीकृत बार हैं उनके समस्त बारों में 12-13 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं, और 13 दिसंबर को चुनाव ये राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश की पालना में किए जा रहे हैं। उसी की पालना हेतु अजमेर बार के कई सारे अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन बनाकर बार अध्यक्ष को और सचिव को लगभग एक महीने से प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव 13 दिसंबर को कराया जाए, लेकिन बार द्वारा किसी तरह का कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। जबकि जिस तरह का कार्यकाल इस बार का रहा है, संदेहास्पद कार्यकाल रहा है, तो पारदर्शिता रहे इसलिए हर अधिवक्ता चाहता है कि यहाँ चुनाव कराए जाएँ। और वन बार वन वोट के आधार पर जिस तरह से राजस्थान में चुनाव हो रहे जा रहे हैं और हाईकोर्ट ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं, उसके कारण ये है कि अजमेर बार या कहीं और की बार के अधिवक्ता जो वहाँ पंजीकृत हैं वो अपना शपथ पत्र दें कि हम वहीं पर रजिस्टर्ड हैं और वहीं वोट डालेंगे, लेकिन उसके कारण अगर यहाँ वोट नहीं होते हैं तो यहाँ के अधिवक्ता फ्री रहेंगे कहीं और बार में जाके वोट डालने, इसके कारण कभी पारदर्शिता के रूप में चुनाव नहीं हो सकेंगे। तो ऐसे में वन बार वन वोट के आधार पर चुनाव होने चाहिए। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई सारे अधिवक्ताओं ने इस बात पर ज्ञापन दिया, लॉ कमेटी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव हुए तो एक साल के बाद ही चुनाव हुए थे, और इससे पहले भी बार अध्यक्षों की एक सूची देखी जाए तो हर साल एक एक बार एक साल का कार्यकाल रहा और चुनाव हुए। तो ऐसे में जब अधिवक्ताओं की मंशा है कि ये चुनाव होने चाहिए, हर साल 13 हर अधिवक्ता को मौका मिलना चाहिए, तो बिल्कुल ये चुनाव होने।
excited? Holidays will be very boring for me. Black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.